लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव का आज ऐलान होगा। दोपहर 3 बजे चुनाव का ऐलान होगा। आपको बता दें कि आज लोकसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा की जा सकती है। दोपहर 3 बजे निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताया जाएगा कि लोकसभा चुनाव के तारीख कब कब रखे गए हैं। लोकसभा चुनाव की रणभेरी, चुनाव की तारीखों का ऐलान होने जा रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधु भी इसमें मौजूद रहेंगे। खबर है कि भारतीय निर्वाचन आयोग आज लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा करेगा और इसके साथ ही पूरे देश में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। और हमारे साथ संवाददाता सुशील पांडे, माफ कीजिएगा, हमारे साथ संवाददाता सुनील पांडे अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, लगभग आज तय माना जाए कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, इसकी पूरी प्रबल संभावना है क्योंकि चुनाव आयोग ने लगभग तैयारियां पूरी कर ली हैं। चुनाव को लेकर कई राज्यों का जो दौरा है वो उनकी तरफ से पूरा कर लिया गया है, तो ये माना जा सकता है कि चुनाव आयोग 3 बजे जो विज्ञान भवन में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है उसका मतलब यही है कि आज चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। और आज जैसे ही फिलहाल चुनाव का नोटिफिकेशन जारी होगा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लग जाएगा, चुनाव आचार संहिता लग जाएगा और चुनाव आयोग ने पहले ही तमाम राजनीतिक पार्टियों को निर्देश दे दिया है कि अब जो भी भाषण, राजनीतिक भाषण दिए जाएंगे उसमें तमाम राजनेता अपनी भाषा पर नियंत्रण रखें, कोई अमर्यादित भाषा का प्रयोग ना करें। साथ ही साथ चुनाव आयोग अगर बड़े राज्यों की बात करें तो उन तमाम बड़े राज्यों में 7 चरणों में चुनाव करवाएगा, चाहे बात करें बिहार की, उत्तर प्रदेश की या बात करें हम फिलहाल पश्चिम बंगाल की, तो जितने भी बड़े राज्य हैं उन तमाम बड़े राज्यों में फिलहाल 7 चरणों में मतदान का आयोजन किया जाएगा। लेकिन जो टोटल फिलहाल मतदान होंगे वो 7 से 8 चरणों में लोकसभा के जो चुनाव होंगे वो करवाए जाएंगे। चुनाव आयोग ने लगभग तैयारियां पूरी कर ली हैं। अब हमें भी इंतजार है कि 3 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन होगा तो वो तारीख क्या होगी, लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिली है उस जानकारी के मुताबिक जो पहला चरण होगा वो 15 से 17 अप्रैल से शुरू किया जाएगा। जी चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुशील। तो आज लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इलेक्शन कमीशन देश में होने वाले आम चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। चुनाव कितने चरणों में होगा, किस किस तारीख को किन राज्यों में मतदान होगा, इसकी जानकारी आज चुनाव आयोग की ओर से दी जाएगी। चुनाव को लेकर कौन सी पार्टी कितनी तैयार है, अब आप ये रिपोर्ट देखें। शनिवार दोपहर 3 बजे लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। केंद्रीय निर्वाचन आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव की तारीखों की घोषणा करेगा। इसके साथ ही लोकसभा और कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो जाएगा। 5 से 8 चरणों में मतदान कराए जाने की उम्मीद है। लोकसभा के साथ साथ कुछ राज्यों के विधानसभा के चुनाव के भी कार्यक्रम सामने आएंगे। सूत्रों की माने तो 2024 के लोकसभा चुनाव 7 से 8 चरणों तक हो सकते हैं। बता दें, लोकसभा चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और चुनाव आयोग ने इसकी पूरी समीक्षा भी की है। साल 2019 की यदि बात करें तो चुनाव की घोषणा 11 मार्च को की गई थी, 7 चरणों में वोटिंग कराई गई थी। 11 अप्रैल से 19 मई तक मतदान हुआ था, जबकि 23 मई को मतों की गिनती कराई गई थी। जबकि इसके पहले साल 2014 में 9 चरणों में हुए चुनाव की तारीखों का ऐलान 5 मार्च को किया गया था। वोटिंग 7 अप्रैल से 12 मई के बीच हुई थी और मतों की गिनती 16 मई को हुई थी। सूत्रों की माने तो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार में इस बार 6 से 7 चरण में लोकसभा चुनाव संपन्न हो सकते हैं। महाराष्ट्र में 4 से 5 चरण, मध्य प्रदेश और असम में 2 से 3 चरण, जबकि दक्षिण भारत के राज्यों में 1 चरण में ही चुनाव कराए जाने की उम्मीद है। मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को खत्म हो रहा है और उससे पहले नए सदन का गठन करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।